7:30 बजे जो है नाव हादसा हुआ है रुस्तमपुर पंचायत कच्ची दरगाह से, जिनको थोड़ी बहुत करंट लगी है उनको वहाँ एडमिट कराया गया है। और ये हादसा काफ़ी गंभीर रहा है, लगातार उनके परिजनों से उन सभी लोगों से हम लोग संपर्क में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। राघोपुर में हुए नाव हादसे को लेकर तेजस्वी यादव ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि लगातार वो तमाम परिजनों से और जो लोग उस नाव हादसे में घायल हुए हैं उनके संपर्क में हैं। कुछ लोगों का इलाज NMCH में हो रहा है तो कुछ लोगों का राघोपुर में ही स्थानीय जो निजी अस्पताल है वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। जिला प्रशासन से भी लगातार संपर्क में हैं और जिला प्रशासन से भी तेजस्वी यादव अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि जो लोग नाव पर सवार थे और पानी में जान बचाने के लिए कूदे वो अब तक मिल नहीं पाए हैं। जिला प्रशासन उन तमाम लोगों के जो खोज है वो करे। हालांकि तेजस्वी यादव ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि लगातार वो संपर्क में हैं उन तमाम लोगों के परिजनों से जो उस नाव हादसे में घायल हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा आप वो सुनिए। कल हम राघोपुर के दौरे पे गए हुए थे, वहाँ से निकले तो हमको सूचना मिली लगभग 7:30 बजे। 7:30 बजे जो है नाव हादसा हुआ है रुस्तमपुर, कुछ लोग जा रहे थे रुस्तमपुर पंचायत कच्ची दरगाह से, बीच में जो है बिजली का तार पुल में नाव जो है टकराया है। कुछ लोग जो है पैनिक में कूदे हैं और कुछ लोग जो नहीं कूदे उनको करंट लगी है, जो कि लगातार हम कल से ही सभी लोगों के संपर्क में रहे हैं। कुछ लोगों को NMCH में भर्ती कराया गया जो गंभीर रूप से घायल हैं, कुछ लोगों को वहीं लोकली 2-3 जो निजी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनको थोड़ी बहुत करंट लगी है उनको वहाँ एडमिट कराया गया है। और ये हादसा काफ़ी गंभीर रहा है, लगातार उनके परिजनों से उन सभी लोगों से हम लोग संपर्क में हैं। और हमारी प्रशासन से भी कल हमने DM को भी सूचना दी है कि ऐसी घटना हुई है। अब कुछ लोग कल जो लेटेस्ट अपडेट है, जो लोग पानी में कूदे थे उनका अभी तक पता नहीं चला है। बाकी जो लोग पानी में नहीं कूदे हैं जिनको करंट लगा है वो अस्पताल में भर्ती हैं। अभी तक जो लोग भी भर्ती हैं उनकी कोई मरने की खबर अब तक आई नहीं है, लेकिन जो लोग पानी में जो कूदे हैं उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, वो जिंदा हैं या उनकी मृत्यु हो गई है ये भी कोई सूचना नहीं मिली है। तो लगातार प्रशासन के लोगों से, वहाँ लोकल अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से और सभी हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं राघोपुर के दियारा के इलाके से सभी लोगों से हम लोग संपर्क में। तो आपने सुना तेजस्वी यादव को जो साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि कल वो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे और शाम 7 से 7:30 बजे की ये घटना है जब एक नाव बिजली के खंभे से टकराती है और कुछ लोग जान बचाने के लिए नाव से पानी में कूदते हैं और कुछ लोग जो नाव पर ही रहते हैं उन्हें करंट लगती है। कुछ लोगों को NMCH में भर्ती कराया जाता है, कुछ लोगों को राघोपुर के निजी अस्पताल में ही उनका उपचार जो है वो चल रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि तमाम परिजनों से, जो पीड़ित परिजन हैं उनसे संपर्क में हैं और जिला प्रशासन से भी लगातार उनकी बातचीत चल रही है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।